हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग। अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल। और पिछला वीडियो जो हमारा था वो NRA और CET के बारे में था, जो नया सिस्टम लागू हुआ है SSC बैंकिंग रेलवे एग्जाम्स को लेकर के। NRA का गठन किया गया है जिसमें कि 1700 करोड़ का फंडिंग किया गया है भारत सरकार द्वारा। और ये एजेंसी जो करेगी वो मतलब रेलवे, बैंकिंग और SSC तीनों को बिल्कुल एक साथ में एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और उस एग्जाम से एक सर्टिफिकेट देगी, जिसके बाद SSC बैंकिंग और रेलवे तीनों अलग अलग अपना अपना मेंस लेकर के वो स्टूडेंट का भर्ती करेगी। और ये जो एग्जाम होगी साल में दो बार होगी और मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम की व्यवस्था होगी। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि एक साल में आपको 6 एग्जाम SET के देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको 6 एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था। और इस वीडियो से मेरा मतलब, इस वीडियो को बनाने का बस यही मतलब है कि मैंने इस वीडियो जैसे ही बनाया तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आने लगे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे कि सर SET लागू होने के बाद पता नहीं क्या होगा हम लोग का। तो आज हम लोग वही सब चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि आप लोगों को कभी भी डीमोटिवेट, कभी भी किसी भी तरह से नहीं होना है। जो सिस्टम है वो सबके लिए होगा, हो सकता है उसका कुछ फायदा होगा, हो सकता है उसका कुछ नुकसान होगा, तो उसके बारे में हर एक चीज़ पहले से जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को देख लीजिए, हम कम टाइम का ये वीडियो बना रहे हैं तो पूरा देखिएगा। तो देखिए NRA और CET, इसका फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मैट्रिक लेवल में भी है, ग्रेजुएशन लेवल में भी और इंटरमीडिएट लेवल में भी। लेकिन आज का है ये वीडियो स्पेशली आपको मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट मतलब क्या? हाँ, आपको रियलिटी चीज बता, रियल चीज बता रहे कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कैसे? एक तो देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें मतलब कि जो सबसे आगे रहेगा उसे वो चीजें मिलेंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिलेबस होता है, जैसे कि देखिए मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसका फिर GS है। GS में देखिए आपका आर्ट पेपर भी आता है, साइंस पेपर भी आता है और करंट अफेयर्स भी आता है। ये सारे चीज पढ़ना है, क्योंकि पिछला बार क्या सिस्टम था कि रेलवे का जो सिस्टम था वो कुछ अलग था, लेकिन अब का सिस्टम कुछ अलग है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, SSC और बैंकिंग में ज्यादा GS पहले नहीं पढ़ना था, SSC में ज्यादा इंग्लिश हिंदी के अलावा GS भी पढ़ना था, और रेलवे में जो था इंग्लिश हिंदी नहीं था पढ़ना। लेकिन अब अगर SET लागू होती है, अभी ये 100% तो लागू नहीं हुई है, सिर्फ बात चल रही है कि 2020 से 2021 में ये लागू हो जाए, लेकिन जब तक लागू हो नहीं जाती है तब तक हम इसको लागू नहीं मान सकते। तो इसमें जो बात कही जा रही है, अभी हम लोग उस चीज, जो भी इसमें फॉल्ट है उस चीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, हो सकता है उस वीडियो का प्रभाव पड़े और जो इसके बारे में नियम बनाए, तो इसके बारे में और भी सारे वीडियो बनाए। हम सब क्रिएटर इसमें वीडियो बना रहे कि इसमें क्या सब फॉल्ट है, कौन कौन चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है, तो वो सब उस चीज़ को ध्यान देकर के फाइनल चीज़ें निकालेंगे 2021 में। तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, बहुत सारा इसमें बदलाव भी आ सकता है। सिस्टम ये था कि रेलवे के जो स्टूडेंट तैयारी करते थे पहले RRB, यानी कि सब दिन से स्टार्टिंग के 2000 ईस्वी के आसपास से 20 साल पहले के आसपास के कुछ एग्जाम में इंग्लिश का पेपर पूछा जाता, इंग्लिश क्वेश्चन आते थे 5 या फिर 10। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रेलवे में जो है इंग्लिश पूछना बंद कर दिया, यानी कि इंग्लिश से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते थे, हिंदी चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं आते थे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से क्वेश्चन नहीं आते थे। मैथ, रीजनिंग, GS और करंट अफेयर्स के दम पे इसका पेपर होता था और स्टूडेंट लोग इसको पास करके वो रेलवे में जाते थे। लेकिन अब जब CET लागू हो जाएगा, जब CET सिस्टम आ जाएगी, NRA उस एग्जाम को करवाएगी, तो वो तो एक कॉमन पेपर होगा SSC बैंकिंग और रेलवे के स्टूडेंट के लिए। तो जाहिर सी बात है रेलवे वालों के लिए स्पेशली इंग्लिश को हटाएगा नहीं, जबकि इंग्लिश का वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें आ जाएगी अब के रेलवे के एग्जाम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें आ जाएगी अब के रेलवे के एग्जाम में। अब जब आ जाएगी तो स्टूडेंट को देना बनता है, देगा ही देगा, जाएगा काम। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान नियम कानून सिस्टम से बढ़ के तो होता नहीं है। और नौकरी चाहिए तो इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, GS भी अब बिल्कुल डीप से पढ़ना पड़ेगा। रेलवे में क्या हुआ था कि GS हटा दिया था 2018 के एग्जाम में, लेकिन अब फिर से GS को
ले आया हो वापस। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट किस मेंटेलिटी से चलती है, मुझे समझ में नहीं आया। अगर जीएस को नहीं रखना था तो हटाया क्यों? अगर जीएस को नहीं रखना चलो ठीक है हटा दिया, अब फिर जब रखना ही था तो फिर अब क्यों ला रहा है? खैर ये सब चीज बारे में और भी चीजें होगी, लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, हमको फाइट करनी है। जो कि सब्जेक्ट टोटल है आपका, देखिए मैथ है, रीजनिंग है, फिर देखिए जीएस पेपर है। जीएस में देखिए आपका आर्ट पेपर भी आ जाती है। आर्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक बेसिक जीके, करंट अफेयर्स, और उसका फिर देखिए साइंस पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये 5 पेपर है। तो देखिए आर्ट पेपर, अब प्लस में देखिए साइंस पेपर, दोनों इसमें आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, और इसके अलावा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ना है। लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल तैयारी स्टार्टिंग से करनी है, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी की सारी तैयारी हम आपको करवाएंगे। हमारे पास नोट्स है, मास्टर नोट्स मैंने लिखा है इस चीज को, और आप लोग को भी बस मास्टर नोट्स ही पढ़ना है। वो मार्केट में जितनी भी किताबें मिलती है वो सब किताब से बेहतर है, और उसको मैंने खुद लिखा है, और उसी मास्टर नोट्स का वीडियो कोचिंग में इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो बस आपको मास्टर नोट्स लेना है और वीडियो कोचिंग का सॉल्यूशन लेना है, और जो तैयारी आप मार्केट में कहीं भी कोचिंग सेंटर में आप 2 साल या फिर 3 साल में करिएगा, वो आप हमारे यहाँ पे स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर में ही आप लोग कर लीजिएगा। हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं कि हम कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम सारे मैथ्स के क्वेश्चन को बना देते हैं और आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे आप लोग बिना किसी ट्रिक के सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पे, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया पे 75% से ज्यादा क्वेश्चन माइंडली बनाते हुए सबके सब मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा जबरदस्त तरीका हमने ढूंढ निकाला है, और ढूंढना क्या, बस किसी चीज को आप लोग बिल्कुल जब डीप से जानेगा तो आपको ये तरीका बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, और आप वही चीज किसी और को सिखाइएगा। जैसे हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जब हम क्लास 9th में थे उसी समय से हम इसी को कर रहे हैं, तो अब काफी अच्छी एक्सपीरियंस हो गई है। और इसके अलावा अब कोई स्टूडेंट अगर नया इसको तैयारी करेगा तो उसको इतना एक्सपीरियंस लेने में काफी वक्त लग जाएगा। हमने अलग अलग तरह के दौर को देखा है, कंपटीशन में स्टूडेंट को पास होते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पास करवाया है, मैंने खुद पास किया है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, कहाँ पे क्या किस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। तो मैथ के लिए कोई टेंशन नहीं रखना है, रीजनिंग के लिए भी कोई टेंशन नहीं रखना है, उसका फिर देखिए जीएस में आर्ट पेपर हो, साइंस पेपर हो, सभी टॉपिक को हम आपको समझा करके एक मैप बना करके आपको पढ़ा देंगे। तो 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आती है, बाद बाकी जो 10% एक्स्ट्रा है वो हम आपको वीडियो कोचिंग के माध्यम से समझा देंगे, और 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से ही आएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं आएगी। तो बस आपको तैयारी के लिए इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एक्स्ट्रा टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपकी फॉर्म भरवाएंगे, हम आपको एग्जाम तक आपको बिल्कुल साथ रहेंगे, और आपको डिमोटिवेट होने से हमेशा हम आपको बचाएंगे। तो ये सब रहा, आप बस मास्टर नोट्स लीजिए और स्मार्ट वीडियो कोचिंग लीजिए। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग, 8406891116, यानी कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8406, और यही एकमात्र हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, आप इसी पे व्हाट्सएप करिए, जब पड़े तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं, और यही तरीका है। आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को तैयारी करनी है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। पहले रेलवे का स्टूडेंट अलग तैयारी करते थे, एसएससी का अलग करते थे, आईपीएस का अलग करते थे, और तीनों अलग अलग फील्ड है, तीनों में स्टूडेंट की चॉइस में दिन, मतलब दिन रात का अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है, इतना अंतर है, फिर तीनों को एक साथ क्यों किया गया, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। खैर इसके बारे में हमने बहुत सारा बातें बताया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो को बस इतना ही तक रखते हैं, बस 10 मिनट के अंदर है वीडियो, ये आप लोग पूरा देख लिया, आई होप कि, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब से हम इस चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करिए, और आप लोग वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करिए, और किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप में इस व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, आपको सारा का सारा सपोर्ट हम आपको करेंगे, और हम आपको पूरा मतलब मदद करेंगे आपको
आपके एग्जाम में पास करने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और बस प्लीज डिमोटिवेट मत होइएगा, जो भी चीज पढ़ना है सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे और सब कुछ हम आपको बिल्कुल नीट एंड क्लियर बिल्कुल बता देंगे, और आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने आप में कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीईटी एग्जाम में। और हाँ, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर, क्या उसमें भी सीईटी लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, इसके बारे में हम कुछ और रिसर्च करते हैं फिर आपको बताते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।